नईम भाई जगह जगह स्ट्रीट्स पे आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं खम्भों पे हर जगह तो मेरा सवाल यह है कि जब आप पावर में आ जाएंगे तो वो तस्वीरों की जगह वहाँ पे लाइट्स लग जाएंगी स्ट्रीट लाइट मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि भाई हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं ना हमारा क्लेम नहीं है हम करके दिखा चुके हैं अच्छा नईम भाई आप मेयर के कैंडिडेट हैं और हॉट फेवरेट हैं अगर आप अपने माजी के लोगों से कुछ सीखना चाहें जैसे नियमतुल्ला खान साहब हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं सेकेंड बेस्ट बेस्ट मेयर हैं इनसे अगर दो चार पॉइंट्स मुस्तफा कमाल से बताएं जो आप लेना चाहेंगे उनके दौर की जो अच्छी चीज है और नेमतुल्ला खान साहब से क्या लेना चाहेंगे वो जरा नेमतुल्ला खान साहब से तो मैं ऑनरशिप लेता हूँ और मुस्तफ़ा कमाल साहब से लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रोजेक्ट को थ्रू किया था ये मैं मानता हूँ और लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक प्रॉब्लम था क्या वो एक पार्टी के मेयर थे वो हाथ रखवा के आए थे

आप ये समझ लें लोड शेडिंग में बत्ती आ रही है लोड लोड शेडिंग शेडिंग पूरे दिन है है उसमें थोड़ी थोड़ी बत्ती आ रही बारिश आ जाए तो जा वो भी नहीं आ रही है और उनके पास एक क्लेम है कि यार भाई बारिश है इसलिए बनवा पानी आ रहा एक 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 है अच्छा ये जो पैच डाल देते हैं अक्सर मैंने देखा है बारिशों से पहले पैच डले थे हमारी सोसाइटी में भी डले थे बेड़ा गरक हो गया है तो इस क्वालिटी ऑफ पैच और वो जो रोड की क्वालिटी होती है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है कराची होता है ना जाहिर है देखें वो होता क्या है एक सड़क जब भी कोई तामीर होती है उसका एक प्रोटोकॉल है ना यार उसकी एक इंजीनियरिंग है ना पहले आप उसकी खुदाई देखेंगे कितनी होनी चाहिए ये तो सचिन ट्रिचकुले वाला काम हो रहा है वो जो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी दो नंबर वो इंजीनियर होता है वो ये दो नंबर रोड डालता है सचिन ट्रिचकुले वो वाला काम हो रहा है कराची में मैं हाफिज नईमान साहब की बातों में खो गया हूँ और मैं इतना रोमांटिक अंदाज से इन्हें देख रहा हूँ तो आप कोई शक नहीं करिएगा हमने जो है वो अठारह मॉडल पार्क बनाए सैकड़ों पार्क बनाए हमने दिल का अस्पताल फेडरल एरिया में बनाया एक ही दिल का अस्पताल होता था ना एन आई सी बी टी हमने फेडरल और दिल दिल में भी ज्यादा वही है, फेडरल एरिया फेडरल एरिया मतलब <laughs> क्या पार्क बहुत है ना अगर आ जाता है तो पहला काम एज अ अर आप क्या करेंगे सबसे पहला काम असल खातिन हजरा मैं नाजिर अली कौन देगा हमारा साथ कौन रखेगा हम पे हाथ हो ना जाए मेरा कराची बर्बाद ये है मेरे अपने जज्बात सोच के वोट देना मेरी जान अस्सलाम वालेकुम रहमान वालेकुम अस्सलाम कैसे सर ठीक ठाक है माशाल्लाह आपकी जो सोशल मीडिया पे कम्पेन हम देख रहे हैं मतलब है आप हम अपनी स्क्रीन भी बंद करें तो आपकी तस्वीर छपी रह जाती है इतनी दफ़ा आप स्क्रीन पे आ रहे हैं माशाल्लाह से ये छाए हुए हैं सर नहीं इसमें ना आप ये भी देखते होंगे कि इसमें ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है बहुत जो लोग खुद ए, और इससे ही आपको पता चलता है असल में कि लोग कितने इन्वॉल्व हैं अब आपको पता है शहर के जो हालात हैं ये ये हमारा कमाल कम है और शहर के हालात में हमारी ज़रूरत ज़्यादा है तो उसकी वजह से लोग जो है ना ख़ुद से भी अब ये चाह रहे हैं कि यार अब भाई बस बहुत हो गई है खर्चा तो ठीक ठाक हो रहा होगा यार क्या खर्चा है मतलब यही खर्चा जो है लेकिन वैसे वैसे देखे नोट तो लगाना पड़ता है इसमें क्या मसला नईम भाई भूल सकता हूँ मैं आपको हाँ नईम भाई जगह जगह स्ट्रीट्स पे आपकी तस्वीरें लगी हुई है खम्भों पे हर जगह तो मेरा सवाल ये है कि जब आप पावर में आ जाएंगे तो वो तस्वीरों की जगह वहाँ पर लाइट्स लग जाएंगी स्ट्रीट लाइट्स हाँ इनशाला देखें दे, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि भाई हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं ना हमारा क्लेम नहीं है हम करके दिखा चुके हैं अच्छा वो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है ना भाई कि मैं जो ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा हम ये कर देंगे हम कहते हैं यार करके दिखा चुके हैं मतलब हाँ, क्या नहमतुल्ला खान साहब नहमतुल्लह खान साहब ठीक है ना जब हमें इकतदार मिला इतना सा आपको पता है उस वक्त इतना आसान नहीं था उस वक्त आपको हालात भी पता है यहाँ पर इतने आराम से चीज़ें चल नहीं, नहीं सकती थी इतने लोग मार दिए जाते थे इतने लोग हमारे कारकुन शहीद कर दिए जाते थे फिर भी हम लोग डटके खड़े हुए नहमतुल्ला खान साहब ने चार साल काम किया और ऐसा काम किया कि शहर को इतना आगे बढ़ा दिया कि लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लोग जो है उस पर फ़ख्र महसूस करते थे कि यार कराची ऐसी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो गई है तो हम तो कर चुके हैं हमने बत्तीस कॉलेज बनाए ना तो उसके बाद तो नहीं बने हमने जो है वो अट्ठारह मॉडल पार्क बनाए सैकड़ों पार्क बनाए हमने दिल का अस्पताल फेडरल भी एरिया में बनाया एक ही दिल का अस्पताल होता था ना एन हमने फेडरल वी डी हमने टूटता भी ज्यादा वही फेडरल बेरिया फेडरल बेरिया मतलब <laughs> क्या करो <करूं> तो? <laughs> वहाँ पार्क बहुत है ना तो लोगों मतलब तो के दिल भी टूटते होंगे तो बहरहाल ये तो दिल के मामला हैं आ, वो तो अपनी जगह अहम होते हैं आ, लेकिन बहरहाल ये जो आ, हमने ये काम किया फिर स्कूल उनको अपग्रेड किया मॉडल स्कूल बनाए मैं तो हैरान होता हूँ एक दिन हमने कहा यार हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो जरा सा अपने नमतुल्ला खान साहब के ज़माने के काम तो निकालो अब भाई वो हैंडबिल था वो हैंडबिल जो है वो पहले दो वर्ते में तब्दील हुआ दो वर्का फिर पंपलेट मतलब वो पूरी किताब बनने लगा हमने कहा भाई इसको रोक दो अब बस इतनी तादाद बता दो इतनी सड़कें बनाई हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत काम किया और ये नहीं किया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए बल्कि गली मोहल्ले की सतह पर ये जो आपने स्ट्रीट लाइट्स का ये 100% परसेंट कर दी थी हमने 100% परसेंट गलियों के अंदर गलियों गंदी गली जिनको कहते हैं ना उनका नाम ही गंदी गली पड़ गया जी 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 उसको सी सी फ्लोरिंग कर दी उस पर टाइल्स लगा दिए और मतलब सिवरेज की लाइनें ठीक कर दी पानी का मनसूबा कैथरी मनसूबा से दस करोड़ गैलन पानी मिला हमें उसके बाद से एक बूंद पानी कराची में इजाफा नहीं हुआ सत्रह साल में आबादी कहाँ से कहाँ पा अच्छा इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का भी दौर आया तो आप ये कह रहे हैं कि रीजन ये है कि जब के बना तो के थ्री मनसूबा जो है वो नहमद साहब ने मुकम्मल किया बल्कि ये भी बड़ी हिस्टोरिकल बात है कि उस प्रोजेक्ट में उन्होंने तकरीबन अड़सठ करोड़ रुपये बचा लिए कभी सुना है आपने के टेंडर से पैसे कम में काम कर दिया हो ईमानदार लीडरशिप हो तो ये होता है फिर जो पैसे बचे थे उन्होंने कहा यार इसका एक एक्सटेंशन बना दो ये पानी यहां तक है ना अब इसके लिए कुछ एक मजीद प्रोजेक्ट बना दो वो प्रोजेक्ट जो है वो अगले साल जाकर मुकम्मल हुआ लेकिन के थ्री मनसूबा पूरा करके गए के फोर के लिए पूरी उन्होंने करासपॉन्डेंस कर ली प्री फिजिबिलिटी बना ली एक कंपनी हायर कर ली काम शुरू हो गया अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो है वो ये चीज थ्रू नहीं हो सकी और आपको पता है कि 2005 से लेकर अब तक कोई मंसूबा नहीं बना ये तो रिकॉर्ड की बात है ना इसमें क्या कहने की कि अब किसी का भी दौर हो लेकिन नहीं हो सका इसमें विफाक इन्वॉल्व था इसमें सूबा इन्वॉल्व था इसमें ब्यूरोसी इन्वॉल्व थी इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व थी कि कोई पार्टी कोई ओनरशिप लेती है कि नहीं लेती तो जब ओनरशिप ही नहीं होगी तो ना पानी का मनसूबा एस थ्री मनसूबा है सीवरेज का कि पहले सीवरेज की लाइनों को ठीक करना है बड़ा बड़ा उसको ये जो ना नालों के साथ साथ और बरसाती नालों के साथ साथ आ रहा है इसको कंड्यूट करना है अलग से करना है और फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करनी है और समंदर में फेंकना है तीन प्लांट लगने हैं बारह तेरह साल हो गए हैं इस पर काम नहीं हो रहा रुक जाता है काम अच्छा नहीम भाई आप मेयर के कैंडिडेट हैं और हॉट फेवरेट हैं इस टाइम अच्छा मेरा एक सवाल है कि अगर आप अपने माजी के लोगों से कुछ सीखना चाहें जैसे नियमतुल्ला खान साहब हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं सेकेंड बेस, बेस्ट बेस्ट मेयर हैं इनसे अगर दो चार पॉइंट्स मुस्तफ़ा कमाल से बताएं जो आप लेना चाहेंगे उनके दौर की जो अच्छी चीज़ है और नमतुल्ल खान साहब से क्या लेना चाहेंगे वो जरा बात नमतुल्ल खान साहब से तो मैं ऑनरशिप लेता हूँ ओनरशिप ऑनरशिप ले सबसे पहली बात यह है कि ये शहर हमारा घर है आदमी घर में कोई तकलीफ होती है तो ब्लेम गेम नहीं करता थोड़ी देर करता है मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और उसके बाद फिर दोनों मिलकर ही सोचते हैं कि यार बच्चों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना और अगर जिन जगहों में मियाँ बीवी भी ओनरशिप नहीं करते एक दूसरे पर डालते हैं तो वो घर टूट जाते हैं सही है। ऐसा ही होता है ना तो जहां ये शहर है इसके तीन करोड़ लोग हमारे लोग हैं नहमतुल्ला खान साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि ये जो लोग कहते हैं ना बहुत इख्तियार था बहुत इख्तियार था वो इख्तियार ट्रांसफार्म होते होते जो है ना दो तीन साल लग गए थे उन्होंने मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उनको बुलाया बारिश हुई थी इसी तरह से जिस तरह अभी हाल चल रहा है ना उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया तीन चार घंटे का सफ़र करवाया और कहा कि जनाल साहब मसला ये है कि इस शहर में के पी टी काम करता है वफाक का इदारा है यहाँ सिविल एविएशन है यहाँ पी आई ए है यहाँ पर जो है वो वो है पाकिस्तान स्टील है वगैरह वगैरह ये इदारे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं टका नहीं देते और आप इनसे कहें कि ये पैसा दें एक से के पी टी अंडर पास बनवाया एक से एक पुल बनवाया एक से मतलब उन्होंने ये तकसीम किया बारह तेरह अरब रुपये का पैकेज बनवाया ये वो था जो बिल्कुल आउट ऑफ बजट था और ये आइडिया था और उसके नतीजे में डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया फिर उसके बाद उन्होंने उनतीस अरब रुपए का 29 बिलियन रुपीज का जो है ना एक पैकेज बनाया आपने पैकेजेस के नाम बहुत सुने होंगे एक अरब रुपए 1100 अरब रुपए सुने थे ना पिछले जी, 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 जी। आ, वो जो कराची को मिलने हैं जो मिल रहे थे वो पता नहीं अभी कहाँ है वो हिसाब देते हैं उनसे पूछेंगे बहरहाल खैर वो नहीं मिला तो हमने उनतीस अरब रुपए पूरा कंज्यूम भी नहीं हुआ था उनके दौर में उस छे अरब रुपए यहाँ से ले रहे हैं चार उधर से ले रहे हैं बारह स्टेक होल्डर से ले रहे हैं कर करा के अपने घर को सही किया और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया पार्क बनाए ग्रीन किया क्लीन किया प्रोजेक्ट्स बनाए आगे की चीजों को देखा तो विजनरी थे ऑनरशिप लेते थे मेहनती थे बेहतर साल की उम्र में वो अट्ठारह अट्ठारह घंटे मैं आपको कम बता रहा हूं आप यकीन करें, दे करें। दे उस वक्त इसमें इस कोई ब्यूरोक्रेसी से पूछे वो आ गई थी यार ये बाबे का क्या नहीं हमें याद है हम छोटे थे लेकिन हमें याद टीम वर्क बहुत 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 काम था टीम वर्क और मुस्तफा कमाल साहब से देखिए मुस्तफा कमाल साहब ने प्रोजेक्ट को थ्रू किया था ये मैं मानता हूँ और लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक प्रॉब्लम था क्या वो एक पार्टी के मेयर थे थी? वो हाथ रखवा के आए थे अच्छा सही है ना और उनका सलेक्शन किया था भाई ने और उसके बाद वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो पूरी पार्टी उस वक्त तो चलाती थी पूरा निज़ाम वो ज़माने में जितना चाइना कटिंग हुई अब देखे ना मुस्तफ़ा कमाल साहब को लोग कहते हैं कि आपके जमाने में चाइना कटिंग हुई ये हुआ अब उसकी एक जस्टिफिकेशन तो है भाई तुम पहाड़ों में बैठे जाते हो उसको कुछ नहीं कहते हम चाइना कटिंग कर लेते हैं बुरे ये बिल्कुल वही बात है जो नाइनटीन में नाइनटीन में जब एम एम का इमरजेंस हुआ तो हमारे पास था सिर्फ मेरिट और तालीम ज्यादतियाँ बहुत थी हमारे साथ लेकिन पता है क्या कहते थे ये मेरा वो पीरियड है जब मैं मैट्रिक कर रहा था और इंटरमीडिएट में दाखिल हुआ था तो लोग कहते थे कि यार जब पठान नकल करता है जब पंजाबी नकल करता है तो हम माजिर को भी नकल कराएंगे अच्छी चीज पकड़ लेते हैं ना उनकी वो मेहनत भी तो करता आ, है वो पत्थर तोड़ता है आ, वो जिद्दोजहद करता है तुमने मेहनत का भी आदि नहीं रहने दिया और जो तालीम थी उससे भी छीन लिए नस्लें पर बात कर दी तो यह कौन सा तरीका है कि आप कहें कि चूंकि उसने कब्जा किया है तो मैं भी कब्जा करूंगा हाँ। बजाय इसके कि आप कब्जों से आजादी की जिद्दोजहद करें आप मजीद कब्जे करना शुरू कर दें तो अब ये वो वो पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा पार्क जिसमें सबसे ज्यादा खेल के मैदान जिसमें सबसे ज्यादा जो है ना इस तरह की मुसीबतें जहाँ पर ऑफिस बन गए यूनिट के और वो घरों के फैसले कर रहे हैं मोहल्लों के फैसले कर से रहे हैं पॉइंट्स हैं जो जो आप लेना चाहेंगे जो कुछ अच्छा तो किया होगा यकीन नहीं, नहीं, मैंने बताया ना डेवलपमेंट का काम प्रोजेक्ट थे, थे। नेमत साहब के उन्होंने किए एग्जीक्यूशन प्लान उन्होंने किया कम्प्लीट किए इसमें उनको क्रेडिट जाता है लेकिन उनका अच्छा भी उनकी पार्टी का उनका बुरा भी उनकी पार्टी का तो अब ये देख ले, वो कितनी ले सकते हैं बाकी चीजों नहीं मैं समझ गया आपकी बात नहीं हमारी बड़ी दोस्ती आ, है बासी मैं बहुत बासी तिबासी <laughs> आप ये समझ लें कराची के बड़े मसायल है मैंने आपको बताया था कराची शहर नहीं मुल्क का नाम है सबसे पहले स्ट्रीट क्राइम पे बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम मतलब बाहर आप दस हज़ार रुपये लेके भी नहीं घूम सकते एक छोटा सा मोबाइल है आपका स्मार्टफोन वो भी छिन जाता है और आ, मुसल्ला स्नैचिंग भी हो रही है छीनम झपटी भी हो रही है चोरी भी हो रही है थप्पड़ मार के भी छीना जा रहा है हर तरीके से लूटा मारी है स्ट्रीट क्राइम पे क्या स्ट्रैटेजी है आपको आपको क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो देखो ज़ाहिर सी बात है कि जो इस वक्त की पोजीशन है उसमें मेयर की ये पोजीशन तो नहीं है कि वो पुलिस को कंट्रोल करे हालांकि हमने जो अपनी जो उन्होंने सिफारिशा दी थी उसमें हमने कहा था कि पुलिस चीफ जो है ना मेयर के माते होना चाहिए अंडर आना चाहिए सौ फीसद दुनिया भर में जहाँ भी तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वहाँ पर मेयर के पुलिस अंडर होते हैं सही साहब के ज़माने में अं� ये होता था जो मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में भी जारी रहा वो ये था कि जो पुलिस की जो पुलिस चीफ होता था ना कराची का उसकी जो ए होती थी जो उसकी रिपोर्ट होती थी ना वो रिपोर्ट नाजम कराची यानी सिटी का मेयर लिखता था सिर्फ इतना इख्तियार था तो उसी से काफ़ी का बेहतर हो जाता था वो अलग बात है कि उस जमाने में चूंकि बहसीत मजमू बहुत अफरा तफरी थी कत्लो ग ारत थी आपको याद है एक एक दिन में जो है वो अट्ठावन अट्ठावन लाशें गिरती थी अब मैं उसकी तफसील में जाकर मज़ा खराब नहीं करना चाहता जी जी। लेकिन यह है कि उसमें फिर सब बेबस हो जाते थे अदरवाइज़ ये चलें इस हद तक तो था हमने अपनी सिफारिशा में ये बात कही कि आप इसको डाल बल्कि हमने बहुत ज़्यादा ज़िद्द की कि यार इनको कुछ तो बाखतीयार बनाएं उसके बर रास्त डुमेन में तो नहीं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं कुछ तो माफियाज होते हैं उनको काम करना होता है लेकिन माफिया को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है वहाँ से मिलता है जब आप पढ़ाएंगे नहीं जब आप लिखाएंगे नहीं, नहीं। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे आपके पास बड़े से बड़ा स्कोप ये है कि आप राइडर बन जाएं आपके नौजवानों के पास सबसे बड़ा स्कोप क्या है इस वक्त के आप वेटर बन जाएँ बाइकिया पर चले जाएँ आपको कोई जॉब नहीं दे रहा आपको कोई पढ़ा नहीं रहा मैट्रिक करके लाखों लोग छोड़ देते हैं इंटर कर करके लाखों लोग छोड़ देते हैं ये इनको या तो कोई नशे का आदि बनाए या हाथ में बंदूक पकड़ाए ईजी मनी होती है इस काम पर लग जाते हैं भाई इस शहर में अगर डेवलपमेंट होगी इस शहर में लोग पढ़ेंगे इस शहर में अपॉर्चुनिटीज होंगी यहाँ जॉब्स हैं यहाँ आईटी की जॉब्स मौजूद हैं इंटरनेशनली आईटी की जॉब्स मौजूद हैं सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कराची में लेकिन इसको एक, आप जो है वो निकाल ही नहीं सकते लेकिन आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सक रहे लेकिन नईम साहब गुरबत और बागैरती में फ़र्क होता है जी एक अगर कोई गुर्बत से स्ट्रगल कर रहा है और एक शख्स स्नैचिंग कर रहा है उसको हम जस्टिफाई नहीं, नहीं कर सकते कि ये गरीब, गरीब है।, है और ये इस वजह से नहीं है लेकिन लेकिन जो जो ये पॉइंट आपके बिल्कुल वैलिड हैं कि ये चीजें कर रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है लेकिन नेशनल एक्शन प्लान बना जब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हुई उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये बात शामिल थी कि सिर्फ हम ऑपरेशन नहीं करेंगे डेवलपमेंट भी करेंगे सही है जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुई वहाँ वहाँ लोगों को फ़ायदा हुआ फाटा में हुई इसका हल आप आ, वन लाइनर मुझे बताएं स्ट्रीट क्राइम्स का हल क्या है क्या एक मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ उसके बाद आप जवाब दीजिएगा क्या ये जो मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ कि कुछ लोग झोपड़ियाँ डाल के जो कराच कराची पर बैठ गए मुसलत हो गए और लोगों का वोट बैंक बने हुए हैं ठीक है हज़ारों लाखों की तादाद में उनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है शायद तो वो लोग मतलब वजह है, है स्ट्रीट क्राइम्स के वजह कौन है? है बाहर से आके लोग कराची में स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं कौन है ये स्ट्रीट क्राइम वाले कौन है भाई जान में आपको देखें जाहिर है कि हम आइसोलेशन में किसी चीज को नहीं देख सकते एक तो मसला ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए मकामी पुलिस भर्ती होनी चाहिए ये शकील सिद्दीकी साहब आए थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मकामी मकामी पुलिस, पुलिस नहीं है कराची नहीं है ना कहाँ है दिखाएं कौन है दादा बिज ज़्यादातर तो पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बुनियादों पर भर्तियां कर रही है सही है देखें वो करते क्या है यहाँ से वैकेंसीज लेते हैं इंटीरियर से ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वहाँ नई वैकेंसीज क्रिएट कर देते हैं आप ट्रैफिक पुलिस देख लीजिए उसमें भी यही सूरत है नाइन्टी परसेंट लोग कराची के नहीं है मैं किसी ज़ुबान बोलने वाले के ख़िलाफ़ तो जा ही नहीं सकता हमने उसकी बड़ी कीमत अदा की है लेकिन ये बात तो समझनी चाहिए ना कि आप खुद जानबूझ करतासुब पैदा कर रहे हैं आप जब लिसानी बुनियादों पर भर्तियाँ करेंगे आप मार्जिनलाइज कर देंगे ये शहर सबका शहर है उस प्रोपोशन के लिहाज से मेरिट की बुनियाद के ऊपर सबको नौकरियाँ दो ना पुलिस में आप भर्ती करेंगे ना आप जो है सेक्रेटेरिएट में भर्ती होंगी आपकी ना के में होंगी तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ और समंदर के अंदर तो नहीं डाल सकते ना यहीं पर रहना है उनको तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर भर्तीयों की बुनियाद भी ठीक होनी चाहिए और इसके लिए इन जब जमत इस्लामी को अगर एक पैर रखने की जगह मिलेगी

तकरीबन होगा बीस दिन पंद्रह दिन हो गए ना बकर जानवर चले गए जो आए थे बदबू नहीं गई है <laughs> बदबू <बद्दु> नहीं गई <गयी। laughs> और दिमाग में बस जाती है सही बात दिमाग में बस जाती है अरे भाई मतलब है तो ये है कि बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल है तो क्रैश प्रोग्राम के तहत उसका अब आप कहेंगे आप कैसे कर देंगे भाई हम ऐसे कर देंगे जो के की गाड़ियां इस वक्त ईटों पर खड़ी हुई है ना उनको पहियो पे खड़ा कर देंगे अच्छा ठीक है खड़ी हुई है बहुत जाए देखें और वो उनकी डीजल की पर्चियां बन रही हैं वो कचरा उठा रही हैं कचरा उठा के डाल रही है लेकिन ईटों हाँ, हाँ, तो ये, ये भाई बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों की तादाद में ऐसी गाड़ियां हैं सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए जो है ना इस वक्त डीजल के और पेट्रोल के जो है वो खर्च हो रहे हैं जो कि नहीं हो रहे हैं किताबों में हो रहे हैं इन इसको तो कर देंगे ना ये तो हमारे पास होगा ना हम स्वीपर को और कुंडी में उनको अनबोर्ड तो कर सकते हैं हम उनको सुबह सुबह जो है वो उनकी सात बजे हाजिरी लेंगे नहमत साहब के ज़माने में हम लोगों ने यही किया हाजिरी लेना शुरू किया वो इतने के हाजिरी लगा के गायब फिर हमने कहा ग्यारह बजे भी हाजिरी होगी और तीन बजे भी हाजिरी होगी और उसके बाद तुम जाओ प्राइवेटली काम करो कोई मसला नहीं नेमत तो साहब हम... के दौर में तो शायद शहर पानी से धुलता था नहीं उनके दौर में तो पानी से नहीं धुल पानी इस बारिश से धुल जाता होगा लेकिन एक ज़माने में हम सुनते हैं 60's, 60's में सड़कें धुलती थी 90's, भी... भी में तो सर मैं ये ऐड करूँ जुमला मुझे ये बात किसी बाबा सुख जराय से पता चली थी कि अमेरिका का मेयर आया था ये नक्शे देखने के लिए जो आप की जो सदर में एम्प्रेस मार्केट और ये ज़रा

क्या कुछ हो गया इसके अंदर सफाई में जो बंदे भर्ती हुए हैं इसमें इजाफा करने की जरूरत है बहुत इजाफे की है? भी जरूरत है सही लोग रखने की जरूरत है जो ये काम कर सकते हैं और उसके लिए जैसा हर एक क्रश प्रोग्राम बनाना पड़ेगा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सफाई तो रोज का काम है ये तो चार साल अगर कोई मेयर होगा तो उसको चार साल ये काम करना है यानी उसकी पूरी टीम को ये काम लेकिन करना है। लेकिन लोगों को भी चाहिए नहीं भाई इस पे मैं समझता हूँ पूरा अपना घर साफ करके कच कचरे की थैली उठा के यू बाहर फेंक देते हैं बहुत गंदी ये ये भी चाहिए तबियतों के अंदर सफाई होनी चाहिए हमारा दिन हमसे तकाजा करता है लेकिन देखें बाज नसीहत वहाँ पर अच्छी लगती है बाज नसीहत वहाँ अच्छी लगती है जब अब वो कहेगा मैं कहाँ फेंकूँ वो कहाँ फेंके उस चूंकि जब वो घर के बाहर रखेगा तो वहाँ से उठाकर गली के नुक्कड़ पर डाल के आ जाएगा वो स्वीपर जो है नहीं, सफाई अगर चाहें लोग अपनी मदद आपके तहत ऐसे मैंने देखे गरीब गरीब इलाके भी ऐसे मैंने साफ सुथरे देखे करते हैं लोग करते ये है, है कि पूरा निज़ाम जब रियासत तो और हुकूमत अपना काम करती है हाँ, ना, ये उनका तो लोगों को भी जो है ना मज़ा आता है काम करने। जी 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 मजा आता भी है। काम तो हाँ, उनका के तो सारे काम एक साथ चलते हैं लेकिन लोगों को ख्याल करना चाहिए जाहिर है लेकिन अब आप सिर्फ लोगों से कहें ना फिर लोग आके सुनाना शुरू कर देते हैं कि यार सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की कोई जिम्मेदारी तालीम खरीदें अमन खरीदें गार्ड अपने रखें सेहत खुद खरीदें और उसके बाद जो है ना तुम ट्रांसपोर्ट दो ना तुम जो है वो हमें सड़क दो ना पानी दो ना बिजली ट्रांसपोर्ट से याद आया आ गया। इतनी गंदी गाड़िया खुदा की कसम टू के फोर के धड़ 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 मेरे सामने टायर वायर निकल गए उनके चलती हुई गाड़ी के और वो पुरानी केल वो छोटी सी जो हाइएस होती है पीली कलर की जी हाँ जी और वो टैक्सी तो खैर अब काली पीली तो बंद हो गई है रक्शे चिंचियों की जो बदतमीजी आ गई है आठ आठ दस दस पीछे वो एक्सटेंड करके लोहे का आपकी उम्र कितनी है बता मैं, बताना है ना मैं, आपको? मैं हाँ, बताइए बताइए नहीं पूछ रहा हूं। मेरी देखे जितनी मैं महसूस कर रहा हूँ जितनी महसूस कर रहे बताएंगे नहीं आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ की देखो नाइन्टीज तक नाइनटीज तक यहाँ पर कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन थी आज से तकरीबन समझ लो बंद हुई है तकरीबन उस वक्त मेरी 91 की देख 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 तो साल के थे आप उस वक्त यहाँ पर लाल बसें चलती थी। लाल बसें बसें चलती और और उसमें उसमें ब्लू भी होती थी और स्पेशल बसें भी होती थी वो सरकार की ट्रांसपोर्ट थी सरकार की ट्रांसपोर्ट थी लास्ट टाइम जब वो बंद हुई है तो 1100 सौ बसे थी उसकी। ये कब से आई है ये जो एफ अट्ठारह उस वक्त भी उस जमाने में उस जमाने में चलती थी लेकिन सरकार की ट्रांसपोर्ट थी कैंट स्टेशन पे अलग चार रुपए में स्पेशल सर्विस चलती थी सही है स्टूडेंट्स को तीस पैसे में जो है वो आ, कंसेशन मिलता था ठीक है और कराची यूनिवर्सिटी से एक सौ पच्चीस बसों का फ्लीट चलता था पॉइंट्स का नहीं। कब नहीं। ये नाइन्टीज की बात है और उसके बाद इस शहर में जिन लोगों को भारी भरकम मैंडेट मिला उन जालिमों ने यह किया कि उनके वजीर ट्रांसपोर्ट थे उस वक्त सुबह जब ये केटीसी बंद हुई सर्कुलर रेलवे चलती थी ट्रेन चलती थी वहां से लांडी औरंगी से होती हुई नॉर्थ नाजाबाद औरंगी जी। तक जा... औरंगी स्टेशन कहलाता था नाजाबाद का उस तक जाती थी छोटा मैदान ठीक है बड़ा मैदान छोटी वहां पर तक जाती थी और कितने लोग उसमें सफर करते थे सब बंद कर दी ने ये आप इसको ऑपरेशनल करेंगे इन इनशा देखिए मुझे ये काम, को ये के के कौन कौन से काम आते हैं आपकी जिम्मेदारी सारी चीजें छीनते चले गए आपने अभी अभी उन्तीस दिन का जो हमने धरना दिया था वो यही तो दिया था कि भाई मेयर को अगर आप पानी का बिजली का गैस का मतलब इख्तियार चलो गैस का नहीं दो आप लेकिन कम अज कम ये तो इख्तियार दो ना कि वो कचरा साफ कर सके वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत मुआवजे करवा रहे हो तुम तो कहने का मकसद ये है कि अब हमने कोशिश हमने मेयर को एम्पावर करवा लिया है सही है अपना धरना देकर हमने उनसे कहा उन्होंने पास भी कर दिया कैबिनेट से पास हो गया है कि जो वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा वो इलेक्टेड मेयर होगा ठीक है ना ये हो गया इसी तरह कराची पानी का नहीं होगा लेकिन बहरल चेयरमैन होता है तो, तो रखना चीजों को कर सकता है।, चेर्में, चेर्में होता है।, है कि दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो सुबाई हुकूमतें होती हैं स्टेट जिन्हें दुनिया में कहते हैं या वो विफाक हुकूमतें वो सब माविन मददगार होती हैं और मेयर को ताकतवर बनाती हैं यहाँ तो उल्टी मतलब हिसाब है ना सारे अख्तियार ये लोग अपने पास रखते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं छब्बीस अरब रुपये का बजट था लास्ट वसीम अख्तर साहब का तो छब्बीस अरब रुपये भी यार मानिए तो रखते हैं ना उस वक्त तो डॉलर जो है वो एक सौ दस रुपये का था एक सौ छः रुपये का था सही ना तो, तो एक सौ छः रुपये के डॉलर में छब्बीस अरब रुपये उस वक्त मानी रखता था वो छब्बीस अरब रुपये का भी हिसाब नहीं देते थे रोते रहते थे ठीक है ना ठीक है आपको इख्तियार चाहिए हमने कहा वसीम अख्तर हमारे पास आए हमने कहा यार आप इख्तियार की बात करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं जो इख्तियार आपके पास है वो काम तो करो आप जो कारपेटिंग कर सकते हो वो तो कर दो हॉस्पिटल्स आपके अंडर आ रहे हैं हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ऑफ नहीं आ रहे बल्कि जो अब्बासी और के आई एच डी और फला फला थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए थे उसी की तो जंग लड़ी थी हमने अब वो खैर तरमीम सिंध इसम्बली में मौजूद है और वो तमाम ये अब्बासी के इलेक्ट्रिक नहीं आता, नहीं ये आता।, आता। है ये अच्छा है। पानी पे जरा सी मैं बात करना चाहूँगा पानी के मसाइल पर थोड़ा सा बताएं क्योंकि मैं समझता हूँ कि नाइनटी फाइव परसेंट कराची की जो ऑडियंस है उसका पानी का तो मसला बड़ा है। मसला है, है। और पानी का टैंकर माफिया सरगरम बिल्कुल ठीक है हमारे आप... जैसे लोग भी महीने में चार चार पांच पाँच टैंकर डलवाते हैं आ, ये आ, क्या मसला है ये टैंकर जी जी टैंकर माफिया का क्या गेम है इसके पीछे पानी के क्या मसाले हैं कराची जैसे शहर में जिसमें समंदर है और सब कुछ, सब कुछ हम फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं उसमें का, पानी का क्या मसला? पानी का है? मसला ये है कि जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन बनती है सोलह सत्रह मिलियन गैलन पर डे अब ये का मतलब पता है क्या है ये मैं आपको बताता हूँ एक फिगर दे दिया आपने आपने मैंने फिगर दे दी उसमें से मिल रहा है पाँच सौ अस्सी सही है सत्रह तो सौ में से पाँच सौ पाँच सौ अस्सी मिल, मिल, मिल रहा तो है तो आप ऐसे ही चले गए ठीक है डिफिशंसी है अच्छा चलो है एक बात मान ली कि है हमारी किस्मत ऐसी थी कि ये नालायक हम पे सत्रह साल से हुए है अच्छा अब उसके बाद जो ये है इसको तो दे दो ये भी नहीं मिल रहा मुनसफाना तकसीम करो ना टैंकर में मिल रहा है नलके में नहीं मिल रहा अल्लाह अकबर मिल रहा है ना टैंकर में जिसको टैंकर में मिल रहा है वो पानी नलके में क्यों नहीं मिल रहा ये बुनियादी सवाल है मुराद अली है ना इतना तो है कि टैंकर में मिल रहा है तो मुझे नलके में चाहिए ना भाई उतने आ, ही दे दो तो। मैं खरीदूंगा मुझे लाइन में नहीं मिलेगा आ, उसकी वजह ये इसको कहते हैं लीकेज बड़ी शराफत से कहते हैं मुराद अली लीकेज है वन मिलियन गैलन की ठीक है तो मैं उनसे कहता हूँ भाई ये लीकेज नहीं है ये आपकी करप्शन है ये टैंकर माफिया है यही पानी आप इनको अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं आप माना और ये इसके ताने बाने जो है ना एक लाइनमैन और कुंडीमैन से लेकर और एक्सियन और फिर वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस और उसके बाद सीएम हाउस इतना जबरदस्त नेटवर्क है, तो तो है और उस माफिया में सब शामिल होते हैं और उसके जो सबसे ज्यादा भुगतान भुगतते हैं वो मैं और आप भुगतते हैं पूरा नॉर्थ कराची उठाकर देख लीजिए बदतरीन सूरत हाल औरंगी टाउन चले जाएं बदतरीन लांडी कोरंगी चले जाएं बदतरीन सूरत हाल डीएचए लोग बिल नहीं रहे एक दूसरे से गले भाई तो लो और भी नहीं लगाते वहां पे तो ये एक तो ये भी मसला है से लाए इतनी महंगाई हो गई है वैसे मैंने सुना है पेरिस में जो इतनी सारी खुशबूएं होती हैं उसका सबब भी ये था लोग नहाते नहीं थे ये भी बिल्कुल है सही सही बात है लेकिन भाई यहाँ खुशबुओं से काम नहीं चलेगा मुसलमान हमें नहना है हमें साफ रहना है तो हमें पानी चाहिए तो एक मसला तो ये हो गया कि पानी चाहिए और पानी को मुनसिफाना तकसीम चाहिए नहमतुल्ला खान साहब कहेंगे यार तुम इसलिए कि भाई मेरे पास मॉडल वही है ना करके दिखाया है ना

चौदह पंद्रह साल में पीपल्स पार्टी ने नहीं किया लुटिया डुबो दी पच्चीस अरब रुपये ज़ाय कर दिए गलत प्लान कर लिया उसके बाद मौला जट आए एक और उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे पहले नूनली वालों ने कहा था फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया दो सौ अरब रुपये उन्होंने कहा हमने मुख्त कर दिए हमसे दो सौ अरब रुपये कहा कि हम पैंसठ करोड़ गेलन योमिया का ये कैफोर मनसूबा बना रहे हैं इस्लामाबाद जाकर उनके जो अच्छा नहीं लगता अरस्तु और अफलातून वगैरह हैं उन्होंने मिलकर उसको 26 करोड़ गलन कर दिया ये कराची की ये वैल्यू हो सबके नज़दीक मैंनेट लो बार बार के और छुरी भी चलाओ उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने ये किया कि उसके ऊपर जो दो अरब रुपये या सौ अरब रुपये लगने थे उसमें से अट्ठारह अरब रुपए साल में रख दिए तो भाई तुम अट्ठारह अरब रुपये लगाओगे तो ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा तो ये प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहा है ये भी हम ही बनवाएंगे इन्हीं से बनवाएंगे चाहे वफाक में कोई भी नून हो या पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी यहाँ पर हो इस पीपल्स पार्टी से हम ही लड़ सकते हैं बाकी तो ये सोशल मीडिया भी फतह कर लेंगे सारे <laughs> इनसे हम लड़ेंगे इन और इनसे ये प्रोजेक्ट करवाएंगे ये मेरा मेरे घर का मसला है आपके घर का मसला है हम इसी इसी शहर में रहते हैं हमें कोई हमें हम खरीद भी नहीं सकते भाई इतना टेंकर अच्छा बिजली का महकमा आपने कह दिया ये हमारे डोमेन में नहीं आता नही लेकिन इसका हल बताएं अच्छा एक इससे पहले मैं आपको बताऊं पानी का दूसरा मसला जो आपने कहा ना समुद्र का पानी ये भी मीठा हो सकता है हाई राइज बिल्डिंग के लिए आर प्लांट लग सकते हैं उनके लिए आप कहते हैं कि भाई नीचे से पानी निकालो खारा पानी को मीठा करो और तीसरी बात है कि रिसाइकिलिंग कर सकते हैं हम पानी की मेरी फील्ड भी यही है कि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल करके 70, 80, 90 परसेंट तक भी यूज कर सकते हैं ऐसा हो रहा है बाज इंडस्ट्री में लाखों गैलन पानी लोग यूटिलाइज कर समंदर को यूटिलाइज तो कर रहे हैं समंदर नहीं।, नहीं जो पानी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर करके ट्रीटमेंट करके फेंक देते हैं वो उस पानी को रिक्लेम किया जा सकता है सही है सही, सही तो ये सब काम हमें आते हैं अलहमदुल्लह हम जानते हैं इस बात को कौन सी टेक्नोलॉजी क्या है सिर्फ विल की जरूरत है ये काम ठीक हो सकता है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और बहुत आगे की चीजें देखकर हम कर सकते हैं इसके लिए हमें वन परसेंट कोटा चाहिए पानी जो ना पीटीआई ने दिया या ना नून लीग ने दिया ना पीपरसेंट अच्छा ने जब ने आप, आप आ जाए बिजली पे बिजली पे बिल्कुल आ जाता हूँ मैंने कहा था लोड शेडिंग में बत्ती आ रही है लोड लोड शेडिंग <laughs> में शेडिंग पूरे दिन है उसमें थोड़ी थोड़ी बत्ती आ रही है इसी तरह से बारिश आ जाए तो वो भी नहीं आती बारिश आ जाए तो वो भी नहीं आ रही और उनके पास एक क्लेम है कि यार भाई बारिश है इसलिए बारिश आ पानी आ रहा तो आप ये बताएं कि बुरा हाल है बिजली के बगैर कैसे गुजारा करे पानी के बगैर कैसे गुजारा करे गैस के बगैर कैसे गुजारा करे ये जो के एस सी है ना क्या करे जो अब के इलेक्ट्रिक के नाम से इन्होंने कर लिया ये के एस सी सबसे प्रॉफिटेबल इधारा और पूरी अस्सी की दहाई में अच्छा और अपने गए गुजरे हालात में भी नाइनटीज में और टू थाउजेंड फाइव तक भी बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान भर का सबसे अच्छा इदारा था के एस सी के इलेक्ट्रिक एक ही बात ये इस इदारे को खम्बों की कीमत के बराबर बेच दिया हमारे एम क्यू एम के भाइयों ने अच्छा। क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर कराची में उनका तो कोई पत्ता हिलता नहीं था बल्कि पत्ते पे भी तस्वीर आ जाती थी ठीक है उसके बावजूद जो है इन्होंने मुशर्रफ साहब के जमाने में इसको सोलह अरब रुपये में बेच दिया खंभों कीमत बेचने के बाद क्या किया कि जो माह हुआ था पहले तो वो कौन के किसको बेचा बेच था चाइनीज कंपनी को नहीं वो थी अलजुमाया ग्रुप था उसमें एक कंसोशियम थी ठीक है कौन सी कंपनी थी अलजुमाया के नाम से था केस पावर के नाम से था फिर अब कैपिटल आया था इसके अंदर अब राज की ये कंपनी सब बल्कि अब क्या कंपनी है अब तो वो कंपनी बनी जो दोबारा बेचा मुजरदारी साहब ने तो अबराज कैपिटल को बेचा और अबराज कैपिटल वो है कि जिस जो उसने आइलैंड में कंपनी के तौर पर अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है गोया अब यह ट्रांसफर ऑफ शेयर अगर होगा भी तो वो जो पैसे हमें अरबों रुपए मिलने थे वो नहीं मिलेंगे इसलिए कि वो कंपनी है ये बड़ी लंबी बात है मैं भी इस वक्त उस नहीं जाता बात यह कि इन्होंने बेचा और उसके एवज उन्होंने जो है वो मराहत हासिल की अभी जो ऑनर है वो अबराज कंपनी है अबराज भी है अबराज भी है, भी भी है और जारे उसके जारे साथ है। और बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो गल्फ की कंपनियां ज़्यादा ठीक है और 26 परसेंट शेयर अभी भी विफाक के हैं विफाक हुकूमत के हैं हम ये कहते हैं इसको कौमी तहवील में लोग इसलिए कि इन्होंने कोई चीज़ पूरी नहीं की इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था वो पूरा नहीं किया इन्होंने जो तीन उस वक्त तीन सौ मिलिय डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी थी वो नहीं की इनको जो जनरेशन करनी थी वो नहीं की मैं मुख्तरा आपको बताऊँ कि हमारे उस वक्त कंज्यूमर थे अट्ठारह लाख अब है बत्तीस लाख कितने ये एट्टी परसेंट के करीब इजाफा हो गया ठीक है लेकिन जो इन्होंने बिजली की जनरेशन में इजाफा किया वो सेवनटीन परसेंट किया सिर्फ तिरानवे हज़ार मिलियन यूनिट कंज्यूम होते थे अब वो जो है वो तकरीबन थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए सेवनटीन परसेंट जनरेशन बढ़ाई है कंज्यूमर बढ़ गए एट्टी परसेंट तो आप बताएं कैसे पूरा होगा दूसरी बात यह कि झूठ बोलते रहते हैं धोखा देते रहते हैं ओवरबिलिंग करते हैं तेज़ मीटर चलाते हैं क्लॉबैग के पैसे वापस नहीं करते बयालीस अरब रुपये तांबे के तार चोरी कर गए अच्छा ठीक है और बड़ी है। बड़ी कीमतों के अंदर बड़े बड़े लोगों को इसलिए बिठाते हैं कि कैसे पैसे पूरे करने रिकवरी के लिए 40 40 लाख 50 50, 50 लाख में बंदे बिठाए हैं करोड़ों रुपए अपनी लीगल टीम को देते हैं कि अगर नेपरा उनके खिलाफ फैसला कर दे तो वो हाईकोर्ट में चले जाते हैं स्टे मिल जाता है अदालती निजाम को सलाम और कराची के आवाम बर्बाद रहते हैं सारी पार्टियां उनको प्रोटेक्शन देती हैं इंक्लूडिंग पीटीआई इंक्लूडिंग नू इंक्लूडिंग एमक्यूएम इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी से कह रहा हूं चैलेंज करता हूं कोई भी आकर मुझसे कहे कि हम नहीं देते फेवर अच्छा सब सबका मतलब सब अच्छा लगे या बुरा लगे कोई दुबई में पैसे मतलब पकड़ सब रहा सबका मतलब सब जमात इस्लामी अरे हम होते तो हम लड़ रहे होते इतनी हम ही ने तो आवाज उठाई है हमने तो पहले सबसे पहले बताया कि भाई क्या इलेक्ट्रिक अच्छी कंपनी नहीं है कराची के नाम पे मैं आऊँगा अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए थे उनसे भी मैंने ये बात की थी फारूक सत्तार साहब से भी बोला था आप माशाल्लाह आप जाहिर है आपसे तो बनता है ये सवाल मच्छर कॉलोनी भैंस पाड़ा <laughs> और खड्डा मोड और दो मिनटी अंडा मोड डिस्को मोड़ और ये अल्लाह आपका भला करे कोई इस तरीके अजीबो गरीब जो नाम है ये किस एडमिनिस्ट्रेटर ने रख दिए यार <laughs> ये कौन है अप्रूव किसने कर दिए कि की हाँ ये ठीक है मच्छर कालोनी हाँ इनके ना पैरेलल नाम होते हैं दूसरे भी लेकिन मशहूर हो जाते हैं मशहूर हो जाते हैं अब वो मिनट की तो कोई नाम हो नहीं सकता हाँ ना। हाँ तो वो फोर के लाइन हाँ तो के ऊपर चोरंगी का जो हुलिया बना दिया था वो भी आपको पता है उसके लिए भी चार धरने करने पड़े और जब जाके वो बनी वो नहीं सॉरी वो फोर के चरंगी थी दो मिनट की चोरंगी हाँ उससे आगे दो मिनट की चरंगी तोड़ दिया तोड़ दिया वो तो अब सीधा वो कर दिया फोर के चरंगी के लिए आपने काफी टाइम दिया ना मैं मुझे दिया। खुद भी इतनी दफा में गया और मैंने एक दफा पता है क्या कहा था जब गुस्सा बहुत आ गया ना और उसका हाल देखा मैंने कहा चिंची रक्षे में उस वक्त खान साहब उनको है, करे, में तो है नहीं, 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 नहीं। आपने ऐसा नहीं, दिया नहीं, है वो और मैंने कहा था उमर साहब को और ये मुराद अली शाहिंग में बिठाएं और फोर के चोरंगी के तीन राउंड लें और फिर इनकी हड्डियों का ना निकल जागी पथरी मैं कहता हूँ

उस पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है कराची होता है ना जाहिर है देखें होता क्या है सड़क जब भी कोई तामीर होती है उसका एक प्रोटोकॉल है ना यार उसकी एक इंजीनियरिंग है ना पहले आप उसकी खुदाई देखेंगे कितनी होनी चाहिए ये तो सचिन वाला काम हो रहा है वो जो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी दो नंबर वो इंजीनियर होता है अच्छा। वो ये दो नंबर रोड डालता है सचिन ट्रिचकुल्ले वो वाला काम हो रहा है कराची ये हो रहा है ना अब उसमें होता क्या है कि अब देखें ना वही वाली बात है हमें इसका एक्सपीरियंस है कि भाई कितनी खुदाई होगी फिर उसकी कंसोलिडेशन होती है उसको दबाया जाता है टेस्ट होता है फिर उसके बाद रोडी डलती है रोडी के बाद छोटा ग्रेवल डलता है फिर डलता है फिर उसके बाद इसका आपका जो एसफॉल्ट होता है उसकी भी पूरी देखा जाता है इसका तनासब कितना है डामर कितना है इसमें से कंकर कितना है और फिर उसके बाद उसकी लेयर कितनी है वो सब बनाया जाता है तो सड़क अच्छी बनती है अब फिर मैं भी कहूँगा जो सड़कें पहले की बनी हुई हैं अब भी बहुत कोशिश कर ली इन्होंने तोड़ तोड़ के लेकिन फिर भी नहीं टूटती हैं सीना रोड चले जाएँ और चले जाएँ इनकी सड़कें तो पहली बारिश में बह जाती हैं चाहे वो एम फंड से बन रही हों चाहे जो है वो झंडा लगा लगा के मुर्तदा वहाँ बना रहे हो डाबा डाल देते हैं और फिर ऊपर से अब क्या कर रहे हैं सिर्फ मिट्टी वाला वो डाल के कंक्रीट के उसके साथ कंकरों के साथ मिट्टी डाल के पहले डाल देते हैं ऊपर से जो है कारपेटिंग कर देते हैं तीन के और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जब बारिश होती हो, है वो बह जाता है रह जाता है उसके बाद दूसरा टेंडर हो जाता है तो ये तो हमारी किस्मत तो नहीं है ना भाई कि हम ये इसी तरह इन लोगों के हाथ में दे दें शहर को करना पड़ेगा कुछ आपको कितना परसेंट परसेंटेज वाइज अगर मुझे आप बताएं कराची के जो रोड्स हैं वो फिर से बनने के काबिल है। कितने परसेंट मेरा ख्याल तो सारे ही रोडों को देखना पड़ेगा कुछ बड़े रोड तो है नहीं ठीक ठीक है है फिर उसके बाद नहीं, ये अब उसमें नालों का मसला है पानी क्यों जमा हो जाता है नहीं होना चाहिए ना जब इन्होंने इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की और कहा कि हमने बिल्कुल निजाम ठीक कर दिया है तो वो निजाम ठीक हो जाना चाहिए था ना क्यों उसमें ब्लॉकेट हो रही है क्यों क्यों जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा पानी तो इसको सिस्टम को ठीक करना कितने परसेंटेज ख्याल है बहुत बड़ी 70, 80 आपको 80 प्रेस्ट। प्रेस्ट। और अंदर की तो सड़कें सड़क है अच्छा तो आप देख ही ले तो कहीं चले जाएं आप अगर आप इमिजिएटली तो आपको ये करना पड़ेगा सफाई सुथराई और पैचवर प्रॉपर पैचवर करना पड़ेगा ताकि पैर रखने की जगह तो मिले फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि कौन सी सड़क को दोबारा से बनाना है कौन सी सड़क को जो है वो नहीं बारिश हुई गटर खुला हुआ था ये मेरे साथ साथी वाक़ हुआ है गाड़ी पे मैं जा रहा हूँ और गाड़ी अचानक लगी जा रही है खुला हुआ था और वो नीचे चली गई पता ही वो, वो, वो। अब जब, जब तकलीफ होती है ना यार और पानी जो है नाले का पानी और सड़क के पानी का लेवल एक जैसा है अभी तक नहीं मिला नहीं मिली नहीं मिली दो महीने की बच्ची है इसलिए हम लोग मतलब आप सोचे ना इन लोग जालिमों ने ये हल कर दिया अच्छा ये पॉइंट स्कोरिंग खत्म नहीं होती हाँ देख रहे हैं फलां कर रहे हैं डीसी आ गए अबे भाई साढ़े दस बजे हमें वहाँ खड़ा हुआ था सर्च लाइट तक तीन घंटे में नहीं ला सके थे ही। कि लाइट ही नहीं है आप कहाँ तलाश करोगे यार और ईदी छिपा अलखदमत सैलानी पर छोड़ दिया पूरा शहर भाई एन जी ओ एन जी ओ होती हैं गवर्नमेंट और स्टेट स्टेट होती है बिल्कुल सही उसको अपना काम करना चाहिए तो यह है इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मसला है इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट नहीं है भाई हमारी माँ बहनों की किस्मत में ये थोड़ी है कि इसी तरह धक्के खाती है मैं तो आपको हिस्ट्री बता रहा था ना कि मतलब वो उस वक्त उस वक्त यूनिवर्सिटी से इतने पॉइंट चलते थे मैं शिफानस कॉलेज में पढ़ता था शिफानस कॉलेज के दो पॉइंट चलते थे ख्वाब है ये ख्वाब हमारे बच्चों ने तो सोचा ही नहीं है कि ये हमारा हक है हमारे बच्चे समझते हैं तालीम ख़रीदो जितनी खरीदनी है अब्बा अब, अब मां पे डालो उन्हें को पता ही नहीं है कि ये अम्मा अब पे ये इजाफी बोझ है जो रियासत डाल रही है रियासत की जिम्मेदारी हमसे टैक्स लेते हो तीन सौ अरब रुपये का बजट होता है तालीम का कहाँ जाता है उनचास हज़ार स्कूल सूबे में कहाँ जा रहे हैं क्यों ये बता दें मुराद अली शाह से लेकर निचले सतह का इनका पियोन तक भी अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिल नहीं कराना चाहता ये सरकार के उसकी वजह है कि आपने एजुकेशन छोड़ी नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी रिकन्स्ट्रक्शन चाहिए रिबिल्ड चाहिए हमारा ये एम है कि हमारे बल्दिया के तहत जो स्कूल होंगे इन शाह हम उसको ऐसा बनाएंगे कि जिस तरह माजी में गरीब और अमीर सब उसमें दाखिल कराने के ख्वाहिशमंद होते थे गवर्नमेंट स्कूलों में माजरत के साथ नहीं भाई एक तो तालीम तो मिल ही नहीं रही बल्कि बच्चा बिगड़ रहा है वहाँ पे उनका मैार ऐसा हो गया जी है।, है कि ना कुछ चेक एंड बैलेंस है ना कुछ है इतने वाक़ मुझ तक ये पहुँचे हैं कि बच्चे सिगरेट पी रहे हैं कोई चीज़ों में लग गए दूसरी चीज़ों में लग गए जाहिर है कोई लेकिन ये प्रॉब्लम अब सिर्फ सरकारी स्कूलों की नहीं रह गई है अच्छा बहुत बड़े पैमाने पर अल्लाह माफ़ करे ज़्यादा कहते हैं ख़राबियों का तस्करा भी ज़्यादा करो तो फिर मज़ीद खराबी होती जी है।, जी। है लेकिन बड़े पैमाने पर बहुत हाई फाई लोगों के बच्चों के अंदर भी नशे की और आइस की और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं ये काम गवर्नमेंट का है इसको कंट्रोल करना यार इनको मिल कैसे रहा है असल बात यह है ना सवाल ये मिल कैसे रहा है और पता नहीं तरह तरह के नाम हैं उसके अब वो बाज़ तो ऐसी चीज़ें मुझे लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि मेडिकल स्टोरों पर दस्तियाब होती हैं किसी नामों से और इससे ये बच्चे क्या करेंगे पढ़ाओगे नहीं उनको लिखाओगे नहीं इनको या तो माफियाज़ के हाथ में डालोगे या नशे ही बनाओगे तो ये तो नहीं होना चाहिए ना ये हमारी किस्मत तो नहीं है भाई ये तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आप देखें यहाँ तीन करोड़ की आबादी है पहले तो ये कि आबादी पर ही डंडी मारी हुई है उसको अदा किया हुआ है तीन करोड़ में से दो करोड़ लोग ऐसे हैं जो तीस से पैंतीस साल तक की उम्र के बच्चे हैं हमारे दो करोड़ दो करोड़ दो करोड़ इनमें से आप अच्छा शुमारी मर्दमशुमारी हो चुकी है और गलत हुई है गलत हुई ना? वो गलत थी उसको दोबारा होना चाहिए था लेकिन बदकिस्मती से जिन्होंने इतना भारी मैंडेट लिया था कराची से पी टी आई ने और एम के उनकी इतिहादारी थी दोनों ने मिलकर जाली मरदम शुमारी को नोटिफाई कर दिया हम उनसे ये कह रहे थे आप नोटिफाई नहीं करें अभी कितने बंदा है कराची में जो सरकार के मुताबिक एक करोड़ साठ लाख आपके हिसाब से हमारे हिसाब से तीन करोड़ तीन करोड़ परमानेंट मिनिमम सर परमानेंट का मतलब ये है कि जो यहाँ कोई भी हो और असूल शुमारी का यही है जो यहाँ रहता गिना जाएगा इस उसूल के ख़िलाफ़ करते हैं ना जो मुस्तकिल पते पर डाल देते हैं इससे हमें वसाइल भी कम मिलते हैं नुमाइंदगी भी कम मिलती है जिससे झगड़े रहते हैं सी एम नहीं आ सकता कराची से और भाई तुम पूरी आबादी हमारी गिन लो उसके मुताबिक हल्काबंदियाँ होंगी और उसके मुताबिक कराची से भी सी एम आ सकता है क्योंकि हमारे एम पी ए बढ़ जाएंगे पैसठ हो जाएंगे सिम्पल इज़ डैट लेकिन ये नहीं करेंगे और सब मिलकर ये काम करते हैं कराची के यानी जो जिस तरफ आप जाएँ और वो कर कार्रवाई हमारे खिलाफ़ ही डालता है कोटा सिस्टम में गैरमाना मुद्दत के लिए इजाफा आपके ख्याल में किसको सूट करता है पीपल्स पार्टी, पार्टी को पार्टी उसने नहीं किया पी टी आई और एम क्यू एम ने किया शुमारी में हमारी गिनती कम हो जाए तो सूट किसको करता है पीपल्स पार्टी को करता है, पार्टी 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 है ना मज़े लेते हैं वो उन्होंने नहीं किया इस दफ़ाफा पी टी आई और एम क्यू एम ने किया के इलेक्ट्रिक विफाक का सब्जेक्ट उसको फैसिलिटेशन विफाक ने दिए ग्रीन लाइन विफाक का प्रोजेक्ट था तो हम पीपल्स पार्टी से उसके पाँच हज़ार अरब रुपये का हिसाब मांगते हैं और उसके पंद्रह साल का हिसाब मांगते हैं लेकिन जो विफाक में चार साल रहा है उससे चार साल का हिसाब मांगते हैं और जो पाँच साल रहा है उससे पाँच साल का हिसाब कराची का बजट कितना होना चाहिए आपके साथ कराची का बजट इस हिसाब आप दो हज़ार बाईस आज की डेट से जो इस वक्त इख्तियार मिला हुआ है महकमे इस वक्त कराची के तहत आते हैं अगर आप वाटर बोर्ड को भी हटा दें फिलहाल जो इस वक्त थे अब तक थे जो थे उसमें तो कराची का जो बजट था छब्बीस अरब रुपये तो होता था ना इस बजट को इसी बजट को कमस कम अज़ कम कम अज कम आप डबल कर सकते हैं इन्हीं हालात के अंदर इन गए गुजरे हालात में भी लेकिन कराची को ज़रूरत है इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स की ठीक है वो कहीं से भी आए अच्छा एक और बात भी है कि दुनिया भर में जो सिटीज़ होते हैं उसके जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो विफाक़ी और सूबाई हुकूमतें देती हैं इख्तियार मेयर को देते हैं फंड वो फ़राहम करते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी इसलिए कि हम हम यहाँ पर रेवनीू जनरेट कर रहे हैं हम फिफ्टी टू फिफ्टी फ़ोर परसेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमने पिछले साल के मुकाबले में इस साल बयालीस परसेंट टैक्स ज़्यादा जमा कराया है यही हमारा कसूर है कि आप हमें जो है वो चिंची के धक्कों में लगा दो हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दो सड़कें नहीं दो हमारे बच्चों को तालीम नहीं दो सौतेला है, है। सौतेला आप आई के मिनिस्टर कौन थे याद है आई के मिनिस्टर एम के थे ठीक है और आईटी के मिनिस्टर ने मैंने देखा इस्लामाबाद में अफ्ताह कर रहे हैं एक आईटी यूनिवर्सिटी का फला जगह पे कर रहे हैं कराची में नहीं किया कराची में के लिए आप लोग क्या करेंगे आई टी देखें मैं मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं हमारे मातहत नहीं होगा ये लेकिन मेयर की पोजीशन ऐसी होती है कि वो अगर खड़ा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है मैं कम से कम इतना कहता हूं बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अपनी जगह लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक आईटी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे स्टेट ऑफ द आर्ट उसके लिए पैर पकड़ने पड़े पकड़ेंगे इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना पड़ा है इंटरनेशनल डोनर ये तो नहीं कहेंगे पावर आने के बाद कि मुझे इश्तार नहीं मिल रहा है फंड नहीं मिल रहा है और वो रोना गाना अगर रोना गाना करना होना तो हम कंटेस्ट में ही नहीं आते चीज है बिल्कुल हम लड़ते ही रोएंगे नहीं, नहीं इनशा चार से ज्यादा काम करेंगे और बाकी अख्तियार छीनेंगे वाह उसके लिए लड़ेंगे सिंपल इज इसलिए कि लड़ना पड़ेगा और जब आप अभी लड़ सकते हैं तो जब मैंडेट आ जाएगा तो फिर तो लड़ाई में भी मजा आएगा ना जाहिर पावर है फिर लोग देखें लोग क्यों नहीं हम क्यों उनके साथ खड़े हुए इस लड़ाई में इसलिए कि उन्हें पता था हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं फिर बैठ जाएंगे उनकी गोद में जाके बैठ गए जमात इस्लामी अगर उनके साथ बातचीत भी करेगी बैठेगी भी तो किसी बुनियाद पर अपनी जात के लिए नहीं बैठेंगे शहर के लिए बैठेंगे हमने एग्रीमेंट किया उनसे ऑन रिकॉर्ड किया है कौम के सामने किया है किसी जाके ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं किया उन्होंने ऐलान किया इसका वो इदारा नूर खाए अली शाह उन्होंने कहा कि यह एग्रीमेंट है उसकी शकों पर अमल दरामद हम ही करा सकते हैं हमारी फाइल का मसला नहीं है हमारे हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमें डंडा ही नहीं है कि हमें अंदर कर दिया जाएगा हम डट के लड़ेंगे इंशाला और जमात इस्लामी ही पीपल्स पार्टी से कोई निकलवा सकती है बाकी तो सब आपस में उल्टा सीधा करते रहेंगे अच्छा चलें इन आपके विजन का हम अप्रिशिएट करेंगे एक एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही है मैं अक्सर बाय रोड सफ़र करता हूँ मोटरवेज जो हैं पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इसमें तो कोई शक नहीं है अभी जो सखर से मुल्तान मोटरवे ऑपरेशनल किया है स्टील मोटरवे बहुत अच्छा लेकिन सवाल ये कराची के साथ सोतेलापन क्या है मतलब जो नेशनल हाईवे था उसी को मोटरवे सुपर हाईवे ये तो आपने हमारे बैनर्स भी देखे होंगे हमने तो कहा भाई सब जगह अलग रूट के ऊपर आप बना रहे हैं हाँ, क्यों यहाँ पर आपने उसी को जो है वो, वो थोड़ा आगे कर दिया मजीद हाँ। और अब हमने इस मोटरवे के ऊपर मैंने खुद अलग रूट होना चाहिए था ना बच्चे खुद कहते हैं ना हाँ बिल्कुल अलग रूट होना चाहिए था इस पे चिंची चलते हुए देखिए चलते हुए देखिए आप यकीन करें गधा गाड़ी चलते हुए देखिए यकीन करें और उसका सबक क्या है कि यार वही ना ये नवाज शरीफ की हरकत है भाई ये नून लीग की हरकत है पूरे पाकिस्तान की मोटरवे अलग बनेगी कराची हैदराबाद आप उसी को बना दिया आपने नहीं नहीं हैदराबाद नहीं है हैदराबाद टू सखर हैदराबाद टू सखर तो बड़ा वीआईपी बन रहा है वही जो उन्होंने अभी कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा बाद कुछ है इसकी रिपोर्ट टाइम लगेगा मुझे तो लगता है अभी पूरा काम नहीं हुआ इसके ऊपर भाईजान सखर रूट तो बन गया से सखर अलग रूट बेहतरीन और सखर से हैदराबाद का भी अलग रूट बन रहा है अलग रूट लेकिन कराची से भी अलग होना चाहिए था ना, ना। इसके पैरल बना देते हाँ। पीछे से निकाल देते कहीं से मोटरवे लेकिन इन्होंने इसी सुपर हाईवे को बना दिया अब इसके ऊपर जाके देखे किस तरह की गड़े पड़े हुए मुझे पता है ये बात कि यहाँ पर कितना घपला हुआ है बिल्कुल बिल्कुल वायलेशन तो हो रही है ट्रक वाले अलग नहीं बनी हुई ठीक से बनाई नहीं है प्रॉपर तरीके से मोटरवे के स्टैंडर्ड पे नहीं बनी हुई मैं आपको बता रहा हूँ ना और ये काम इन लोगों ने किया ये पूरी दुनिया में अपने आप को कहते हैं कि हम तो सड़कें बनाने के मास्टर हैं लेकिन यहाँ आकर इनको क्या तकलीफ ये पता नहीं मोटरवे तो काट रहे हैं तीन सौ सा साढ़े तीन सौ सा रुपए कितने महंगे हो गया तो ये ये होता क्या वैसे नादिर भाई आप ही बता सकते हैं कि ये वहां से चलते चलते जब कराची में पहुंचता हैदराबाद कराची में पहुंचता है तो मोटरवे को क्या हो जाता है अजीब सा मतलब सा डाउन हो जाता है है मतलब वो लगता भाई अपने गोट में कसूर हमारा है कराची के लोगों का है चालीस साल कराची के लोगों ने अपने आप को बर्बाद किया है शराबों के पीछे दौड़ दौड़ के शराब जानते हैं आगे पानी नज़र आता है जब आप मोटर वे पर जा रहे हो सर... इस पर सुपर हाईवे पर जा रहे हो और जब आप आगे जाते हैं तो पानी नहीं होता नहीं होता है वो सूरज का रिफ्लेक्शन होता है जो आपको पानी महसूस होता है एरर है फिर आप आगे जाते हैं ये आज नज़र का धोखा यूजन कहते हाँ, हैं इसको वाहमा आगे जाते हैं आपको फिर पानी नज़र आता है ये शराबों के पीछे दौड़ा रहे हैं हमें हम हवाओं के पीछे जाके कहते हैं तब्दीली आ जाएगी और भाई ग्राउंड पर कौन खड़ा हुआ है किसी को फुर्सत है कि कराची की तरफ़ रुख कर ले कराची की किसी की प्रायरिटी में हो कोई भी हो किसी आपको अच्छा लगता हो बुरा लगता हो मुझे बताएं कराची किसकी की प्रायरिटी है नू लीग की है पीटीआई की है एमक्यूएम की है जो जिन्होंने अपना 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 किया उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ा रख किया पीपल्स पार्टी की है कराची के लोगों को अल्लाह ताला ने एक दिया था ना नमतुल्ला खान थ्रू करते ना उसको कराची के लोगों को ये बात पता है कि कराची की तरक्की जमत इस्लामी के साथ जुड़ी हुई है अब भी अगर कराची के लोग नहीं जागेंगे मैं अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है हमारे बच्चे कहते हैं यहाँ नहीं रहना बहुत अच्छी बात है आप बात। किसी से जाकर पूछने यहाँ नहीं रहना यहाँ रहेंगे बाबा हम मेरे बच्चे तो खैर नहीं कहते लेकिन मैं कितने अब सब जा सकते भाई आप दो करोड़ यूथ को कहा ले जाएंगे आपको यहीं रहना है हमें बर्बाद नहीं करना लेकिन हमें अजम के साथ निकलना है और इन लोगों को एक पोलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाना है और इनको इक्विप करना है मैं अभी आपको आई टी की बात कर रहा था ना मैंने क्यों कहा कि आई टी हमारी प्रायोरिटी होगी देखें अभी हमने अखिदमत के तहत बनो काबिल के नाम से एक आई टी का प्रोग्राम शुरू किया ठीक है अब उसमें क्या हुआ हमने कहा रजिस्टर हो रजिस्टर हुए तो इतने रजिस्टर हो गए कि अब उनका टेस्ट कैसे लें अभी तो बारिश हो गई वरना हम एक ह्यूज टेस्ट करने जा रहे थे अच्छा टेस्ट के बाद हजारों बच्चों को हम स्कॉलरशिप देने की हमने बात कर ली है फ्रीलैंसिंग सिखाएंगे एमजॉन की हम उनको ट्रेनिंग देंगे ग्राफिक्स सिखाएंगे सात आठ कोर्सेज हैं और तीन महीने चार महीने के कोर्सेज करेंगे चार महीने का कोर्स करके चालीस हज़ार पचास हज़ार की नौकरियां मिलेंगी उसकी अभी से बात शुरू कर दी है, है एक पूरा नेटवर्क किया एक एन जी यार अब हम एक जमात हैं एक जमात जब इतना कर सकती है तो स्टेट क्यों नहीं कर सकती है? और मेयर की पोजिशन से ये काम होगा तो कितना बड़ा काम हो जाएगा इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इनको मायूस नहीं करेंगे

अपनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को चार गुना आईटी की स्पोर्ट बना सकते अभी 2.1 है हम इसको आठ दस पे आराम से ले जा सकते हैं अगले चार साल में आराम से ले जा सकते हैं सिर्फ विल चाहिए आप देखें कितने लाखों बच्चे इसमें खपेंगे वो जब कमाएंगे अपने मां बाप का हाथ बटाएंगे किसी काबिल होंगे लेकिन एक और बात मैं कराची के बच्चों को आपके तवस्त से कह दूँ बच्चे हैं ना हमारे मेहनत करो यार मेहनत नहीं करते मैं देखता हूँ ना स्पोर्ट्स में करते हैं अच्छा अब उन उनज़ुर तो बहुत हैं यार खेलने की जगह नहीं है कहाँ खेलें अंकल ये नहीं है भाई ये क्या करे हम हमारे मैदानों पे कब्जा है नहीं की माँ है खेल वाली बात खेल में भी मेहनत करो पढ़ाई में भी मेहनत करो ऐसे चीजें नहीं मिलती मैं देखता हूँ जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ाता है बिल्कुल सही बात है ये तो फिजिकल... हम ये हम कराएंगे आई टी यूनिवर्सिटी बनाएंगे लेकिन जिद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी फिजिकल एक्टिविटी आज की जनरेशन की बहुत ना होने के बराबर कुछ भी बात हकीकत है सारी खेल भी हम ये बोलते हैं कि हमारी अम्माएं मारती थी कि घर आओ हाँ। आज की मारती है, से जाओ। जाओ। <laughs> अजीब, और वो एक... यार ना फिर वही वाली बात है हाँ। जाके क्या खेले हाँ। पहले गली में खेलते थे वहां गाड़ी खड़ी होती है या टूटी हुई सड़क होती है बॉल भी इधर से उधर ये भी नहीं ब्रेक करा रहे हो आप ब्रेक हो रही है अरे भाई क्या करे बंदा तो वो गुगली चल रही है ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चे भी कहाँ खेलें ग्राउंड में जाए तो कहते हैं भाई ये ग्राउंड हमने बनाया है तो प्राइवेटाइज हो गया ये तो पैसों में होगा अरे भाई मेरे मोहल्ले का ग्राउंड है नहमतुल्ला खान ने पार्क बनाए थे कहा था फीस होगी नहीं इसकी और किला गाड़ने देते थे वो उसके ऊपर कि कोई तकरीब नहीं होगी इस पर यह पार्क है ये मोहल्ले का ये तो भाई ये है ना ऑनरशिप सर ये हर चीज है ऑनरशिप इसको अपना घर समझो हजरात एक शेर रहा है कि भाई कागज़ की शहरियों पे आग की निगरानी है प्यासा खड़ा हूँ मैं और चारों तरफ पानी ओफ रहमान साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया you. और आपने like जितनी बातें की वो बातें बड़ी वैलिड हैं और बड़ी असर रखती हैं अल्लाह ताला जो आपने कही हैं वो

कि पाँच दस साल बाद कराची रहने की जगह नहीं रहेगी। नहीं नहीं अल्लाह ना करे ये कराची फिर कराची बनेगा उससे बढ़कर बनेगा इन शाह तला बनेगा थोड़ा सी हिम्मत पकड़ें लोग और अपना मैंडेट ठीक कर दें बस और इस कब तीनों हजरात आज की पॉडकास्ट ज़्यादा मैं हंसा नहीं पाया हूँ मैंने अपने कलर्स नहीं दिखाए लेकिन मैं हाफिज रहमान साहब की बातों में खो गया हूँ और मैं इतना रोमांटिक अंदाज़ से इन्हें देख रहा हूँ <laughs> तो आप कोई शक नहीं करिएगा फिर मैं मोहब्बत के अंदाज़ से देख रहा हूँ इन्हें तो अल्लाह ताला ये सारी हमारी जो जायज़ हाजतें हैं वो पूरी पूरी फरमाए और मैं एक बात समझता हूँ कि आज के दौर में हक मांगा नहीं जाता छीना जाता चीना जाता है नहीं 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 हम, आ, और और अपनी तकदीर ना समझें कि हमें 240 बसों की खैरात दे, दे दें ओ बहुत अच्छा अबे चौदह साल में तुम 240 बसें दे रहे हो उसमें से तो भी तीस दे रहे हो चार पहले खराब हो गई बारिश आई तो बकिया भी खराब हो गई गयी भाई ये नहीं होगा अब अब कुछ करना पड़ेगा अब कुछ करना पड़ेगा भाई इनशाला आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा और आप कुछ करना पड़ेगा हम सबको कुछ करना पड़ेगा इस पॉडकास्ट से मुझे हाफिज नईमान हम सबको दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़